स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आरओ एआरओ के संबंध में, जो भी सुनवाई आज होनी थी उसकी अगली डेट क्या लगी है, और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल ऑफिस से क्या बहुत ही फैक्ट न्यूज़ है, साथ ही साथ कुछ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यूज़ है। तो मैं आप सबको पहली बात तो यही कहूँगा कि यदि आप वीडियो पर विज़िट किए हैं पहली बार या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जानने को आज की न्यूज़ में ज़रूर मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि बार एसोसिएशन की जो प्रक्रिया थी उसकी वजह से आज जो है कोई भी न्यायिक कार्य जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हुआ है, और जो आज की सुनवाई थी, कहने का मतलब जो सिंगल बेंच और स्पेशल बेंच की सुनवाई थी, वो आज ना होकर के 17 मई, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा, 17 मई को फिक्स कर दी गई है, और उसी दिन दोनों सुनवाई होनी है। ये तो न्यूज़ हुई आज की सुनवाई को लेकर के। अगली न्यूज़ है एडवोकेट जनरल ऑफिस से। जिन लोगों ने एडवोकेट जनरल का फॉर्म भरा था, एडवोकेट जनरल के संबंध में जो भी वैकेंसी आई थी, कहने का मतलब एआरओ, एपीएस और कंप्यूटर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, और भी जो 6 टाइप की और पोस्ट थी, उसके संबंध में जितनी फॉर्म से फिलअप हुए थे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सबको मैंने कल ही बताया था कि एडवोकेट जनरल का स्टाफ पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अल्टीमेट जारी किया था सरकार को लेकर के कि सरकार ये 16 मई तक जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं कर रही है, तो हम नए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर देंगे अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए। तो आप सबको जान के बड़ी खुशी मिलेगी कि नए महाधिवक्ता की नियुक्ति सरकार के द्वारा कर दी गई है। वर्तमान में आज की डेट में नए महाधिवक्ता आपके आज जो नियुक्ति हुए हैं वो वरिष्ठ एडवोकेट मिस्टर अजय कुमार मिश्रा जी। अजय कुमार मिश्रा जी वर्तमान में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं, और इसकी मंजूरी कैबिनेट से भी मिल चुकी है। ये आज की बहुत ही फैक्ट न्यूज़ है। ये तो हुआ एडवोकेट जनरल ऑफिस से। अब ये समझिएगा कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से जो ये नियुक्ति हुई है, इसके तुरंत बाद अब पूरे जो स्टाफ निकाले गए थे, अब पूरे स्टाफ की नियुक्ति होनी है। कहने का मतलब जो भी वैकेंसी आई थी उसकी नियुक्ति होगी, आगे की प्रक्रिया अब तुरंत आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब बॉस आ गए तो आगे की प्रक्रिया होना तय है, आप भी समझ रहे हैं ये चीज़। और ये तो न्यूज़ हुई एडवोकेट जनरल ऑफिस से। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो एक और न्यूज़ निकल के आई है कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत ही माइन्यूट नंबर से नहीं हुआ है, कहने का मतलब कोई किसी का पॉइंट से नहीं हुआ है, किसी का एक नंबर से और ये दो नंबर से, बहुत जो बहुत ही लम सम में पहुंचे हुए हैं कि बहुत करीब मामले में है, तो जो जिनका बहुत करीबी मामले में है उनके लिए एक उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है। अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरीके से करता नहीं था, लेकिन पहली बार शायद इस तरीके से होने जा रहा है कि एक वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और उस वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, और बहुत तो नहीं आएंगे क्योंकि लगभग सबका वेरिफिकेशन जो पूरे पोस्ट के लिए कराया गया था, लेकिन उसमें आप ये समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आरओ में भी सिलेक्शन है और एआरओ में भी सिलेक्शन है, तो स्वाभाविक है कि वो आरओ ज्वाइन करेंगे, एआरओ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो सीट खाली हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, साथ इस नौकरी को ना प्रेफर करें, उनका भी जो है वो पोस्ट जो है खाली हो जाएगी वो सीट, तो उससे भी सिलेक्शन हो सकता है, तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर कैंडिडेट्स यही चाह रहे हैं कि रिवाइज्ड आंसर की तो आए ही आए, साथ ही में ये पुनः एग्ज़ाम करा दिया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, हाईकोर्ट को भी पता है, एनटीए को भी पता है, कैंडिडेट्स को भी पता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर इसमें क्या गड़बड़ी पाई गई है और क्या गड़बड़ी हुई है, सब ये चीज़ जानते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव हो, और हम सभी प्रयास में लगे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम लाया जाए, प्रयास ही कर रहे हैं अपनी तरफ से, हर विकल्प जो है वहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी विकल्प लग रहा है उस हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट लाया जाए उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिजर्व कर रहे हैं। ओके, और आप सबसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर दिया करें, और पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ओके, वीडियो को लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट तक मैं इसको आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें थी, हालांकि आप सबको पता है क्या चीज़ें थी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।